स्लीपी क्लासेस की बेसिक साइंस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। बिफोर जंपिंग ऑन टू व्हाट दिस वीडियो हैज इन स्टोर फॉर यू, हमारी तरफ से इस बेसिक साइंस लेक्चर सीरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले एनसीईआरटीज को ही मेन रेफरेंस पॉइंट रखा गया है। इंटरनेट पे पड़ी इन्फॉर्मेशन का दिल खोल के यूज किया गया है। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि बेसिक साइंस में से क्वेश्चंस काफी कम हो गए हैं और रिसेंट टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस ज्यादा, पर यूपीएससी का कोई पता नहीं कब बेसिक साइंस की किस्मत खुल जाए और एस्पायरेंट्स की बंद। इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस 6 स्टैंडर्ड की डिस्क्रिप्शन है। ये वीडियोस इन चैप्टर्स के अनुसार आगे बढ़ती है। पहले चैप्टर में ईटिंग बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को फूड की टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कार्निवोरस मीट ईटर्स को कहते हैं और हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स को। पर सीमिंगली इजी लगने वाले इन क्वेश्चंस को भी यूपीएससी प्रीलिम्स में थोड़ा टफ करके पूछ सकती है, जैसे पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज कार्निवोरस है या ओमनिवोरस। एनिमल ट्रेट्स को एक्सप्लेन कर उसके ईटिंग बिहेवियर के बारे में भी पूछ सकते हैं। बाकी ये ईटिंग बिहेवियर आगे और स्पेसिफिक भी होते जाते हैं, जैसे कार्निवोर्स में बर्ड ईटर्स को एबीवोर कहते हैं और फिश ईटर्स को पीसीवोर। सिमिलरली हर्बीवोर्स में ग्रास पे पलने वालों को ग्रेमिनिवोर्स कहते हैं और पॉलन ईटर्स को पेलिनिवोर। फीडिंग बिहेवियर की भी आगे अलग डिफ्रेंशिएशन और डेफिनेशन है। ब्लड पे फीड करने वाले बिहेवियर को हिमेटोफेजी कहते हैं। नॉन लिविंग मैटर पे भी काफी ऑर्गेनिजम्स पलते हैं। कॉप्रोफोगस फीसिस ईटर को कहते हैं। डेट्राइटिवोर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और ऑस्टियोफेजी उन हर्बीवोर्स एनिमल का फीडिंग बिहेवियर है जो फॉस्फेट की कमी के चलते डेड एनिमल्स की बोन्स को चबाते हैं। दूसरे चैप्टर में सबसे पहली बात होती है न्यूट्रिएंट्स की। जो फूड इंग्रेडिएंट्स हमें वेरियस एक्टिविटीज करने की एनर्जी देते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स 6 टाइप्स के होते हैं और सबकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर आते हैं। याद रखिए, रफेज या फाइबरस चीजें न्यूट्रिएंट्स में नहीं गिनी जाती, दे जस्ट हेल्प इन डाइजेशन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं। व्हीट, राइस, पोटेटो, शुगर केन एक्सेट्रा कार्ब्स रिच फूड हैं। अगर किसी चीज में कार्ब्स प्रेजेंस टेस्ट करनी है तो आयोडीन डालो और अगर कार्ब्स हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सोर्सेज पे नजर मार लीजिए। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा प्रोटीन सोर्स पे डालो तो वायलेट कलर आ जाता है। आगे आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो डिजीज प्रोटेक्शन और आईज, बोन्स, टीथ एक्सेट्रा को हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स काफी टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट विटामिन्स फैट्स या वाटर में डिजॉल्व होते हैं। फूड सोर्स भी इंपॉर्टेंट है विटामिन वाइज, प्री में पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए स्किन हेल्दी रखता है और लो लाइट, कलर और गुड विजन के लिए भी गुड है। विटामिन बी के आगे 8 सब टाइप्स हैं और ये सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विटामिन B1 थायमीन की कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है, जिसमें लेग्स की स्वेलिंग और थकावट होती है। विटामिन सी स्कर्वी से बचाता है, जिसमें गम्स से खून और वूंड हीलिंग में टाइम लगता है। विटामिन डी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और रिकेट्स से बचाता है। मिनरल्स आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जिनकी थोड़ी सी क्वांटिटी ग्रोथ और अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए। 5 मेजर मिनरल्स कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम हैं। हमने पीछे आयरन रिच रिसोर्स देखे हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बोन्स के लिए बुरी खबर है और आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर करती है। फैट्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी फैट कार्ब्स के रन आउट होने के बाद यूज होता है। फैट्स
विटामिन्स को भी डिजोल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप पॉज भी कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम 2014 में डेफिशिएंसी डिजीज पूछ चुकी है, अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल फाइबर, जो एनिमल्स या प्लांट से मिलता है। एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन, जूट एटसेट्रा। दूसरे टाइप का फाइबर है सिंथेटिक फाइबर, जो मैन मेड या आर्टिफिशियली मेड भी है। ना रिंकल होने वाला पॉलिएस्टर, नाइलॉन इसकी एग्जाम्पल है। आइए अब फाइबर मेकिंग प्रोसेस देख लें। कॉटन फाइबर की बोल्स को सीड से सेपरेट करना जिनिंग कहलाता है। फाइबर्स को खींच और इंटेंगल करके यार्न बनता है। टू डिफरेंट सेट ऑफ यार्न्स वीविंग के जरिए इंटरलॉक होके फैब्रिक बनाते हैं। वीविंग लूम्स के द्वारा होती है। नीटिंग भी वीविंग के लगभग समान है। अंतर है सिलाई से एक धागा लेकर ही बुनाई से फैब्रिक बन जाता है। फाइबर्स पे एमसीक्यू अटेम्प्ट करके देखें। अगले चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में प्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। कैसे हम कुछ मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज लाइक अपियरेंस, लस्टर, हार्डनेस एक्सेट्रा लेकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अगले चैप्टर्स में इम्प्योरिटीज को सब्सटेंस से सेपरेट करने की बात है। कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन बताए गए हैं इस चैप्टर में, जैसे हैंड पिकिंग में हाथ से इम्प्योरिटीज को छांटते हैं, थ्रेशिंग में स्टॉक्स से ग्रेन सेपरेट होते हैं वेरियस मैकेनिज्म द्वारा, विनोइंग में हवा भारी और लाइट चीजों को ग्रेविटी के एक्शन से सेपरेट कर जाती है, साइविंग में मिक्सचर्स को साइव से छांटा जाता है और बड़े साइज वाली इम्प्योरिटीज अटक रह जाती हैं। अगर पानी में मिक्सचर डालें तो भारी चीज बेस पे सेटल हो जाती है और हल्की चीज पानी में ही तैरती रहती है। इसी तैरने वाली चीज को अगर हम वाटर के साथ रिमूव कर दें तो वो डिकेंटेशन है। आइए एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन के आगे भी एक एमसीक्यू है। आप एक्सप्लेनेशन को पॉज करके देख सकते हैं कहां आपने गलती की, कहां आप ठीक रहे। हमारे सिक्स चैप्टर में मेन बात थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की है। आपको पता है कि जैसे कोई भी मटेरियल इंक्रीज इन टेम्परेचर इनकाउंटर करता है तो वो एक्सपैंड होता है। ठंड में वही मटेरियल सिकुड़ भी जाता है। सेवन चैप्टर प्लांट्स के बारे में है। प्लांट्स को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ये तीन टाइप्स स्टेम स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जैसे हर्ब्स की ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम होती है और श्रब्स की स्टेम से ग्राउंड लेवल के नजदीक ही लीव्स निकल सकते हैं। ट्रीज की स्टेम काफी हार्ड और ब्राउन होती है। इसके अलावा दो और प्रकार के प्लांट्स हैं। क्रीपर्स कहते हैं उन पौधों को जो जमीन पर ही लौटते रहते हैं। क्लाइंबर्स सहारा लेके काफी ऊंचाइयां पा जाते हैं। अगर हम स्टेम के बारे में डिस्कस करें तो एक जरिया है वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स तक पहुंचाने का। यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में इसके रिलेटेड सवाल पूछ चुकी है, आप अटेम्प्ट करके देख लें। इसके बाद लीव्स। कुछ डेफिनेशंस हैं। जहां से लीव स्टेम से जुड़ा होता है उसको पिटियोल कहते हैं। लीव्स के सारे ग्रीन पार्ट को लेमिना कहा जाता है। पूरे पेड़ पे उगे लीव्स को हम फॉलिएज कहते हैं। अगर हम लीव्स को नजदीक से देखें तो उसमें वेन्स का एक पैटर्न होता है जिसे विनेशन कहते हैं। विनेशन के काफी पैटर्न को डिफरेंट नाम दिया जाता है। बाकी हमें पता है लीव्स प्लांट की फूड फैक्ट्री हैं। प्लांट्स के अलावा कई ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी अपना फूड फोटोसिंथेसाइज आप करते हैं।
इन्हें फोटोट्रॉप्स कहा जाता है। लीव्स अपने सरफेस से पानी भी छोड़ते हैं ट्रांसपायरेशन के द्वारा। आइए ट्रांसपायरेशन पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। इसके बाद रूट्स का काम है न्यूट्रिएंट्स और पानी की सप्लाई करना और प्लांट्स को अपने पैरों पर खड़ा करके रखना। रूट्स काफी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे टैप रूट में से एक मेन रूट निकलती है जिसमें से सब्सिडियरी रूटलेट्स फर्दर निकल जाती हैं। फाइबरस रूट्स में एक ही लेंथ की काफी रूट्स का जमावड़ा होता है, रूट्स खाई भी जा सकती हैं। फ्लावर्स में खिले हुए फ्लावर्स की पत्तियों को पेटल कहते हैं और बड की आउटर ग्रीन कवरिंग को सेपल। फ्लावर्स मेजरली दो पार्ट के होते हैं, स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें से पॉलन प्रोड्यूस होता है। पॉलन फ्लावर के पाउडरी पार्ट को कहते हैं जिसमें से मेल स्पर्म सेल्स निकलते हैं। स्टेमन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंथर में पॉलन होता है और फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है। पिस्टल फ्लावर का वो पार्ट है जिसमें ओव्यूल्स या स्मॉल फीमेल एग्स प्रोड्यूस होते हैं। यही हिस्सा पॉलन और ओव्यूल्स की ज्वाइनिंग के बाद सीड्स या फ्रूट बनता है। पिस्टल भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टिग्मा एक ओपनिंग की तरह है। स्टाइल में पॉलन ट्यूब्स आकर ग्रो होते हैं टुवर्ड्स ओवरी, ओवरी में से ओव्यूल्स बनते हैं। 8th चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स स्टार्ट होता है ज्वाइंट से, जो कनेक्शन है बोन्स का आपस में। ज्वाइंट्स काफी प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। इसमें बोन का एक पार्ट दूसरी बोन की कैविटी में फिट हो जाता है। एग्जाम्पल है शोल्डर और हिप ज्वाइंट। पिवोटल ज्वाइंट में फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट राइट मूवमेंट ही हो पाती है, और इसका एग्जाम्पल है नेक ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में सिर्फ एक प्लेन में ही मूवमेंट हो सकती है। इसके एग्जाम्पल में हम अपने नी और एल्बो ज्वाइंट को लिख सकते हैं। फिक्स ज्वाइंट में मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाती, जैसे अपर जॉ और हेड बोन हमारी बिल्कुल फिक्स्ड है, अपर जॉ नहीं मूव करती। कार्टिलेज एक रबर पैडिंग के जैसे है जो बोन्स के एंड्स को प्रोटेक्ट करती है। मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी वाली ये इलास्टिक टिश्यू में नर्व्स वेसल्स नहीं होती। ईयर्स का ऊपर वाला हिस्सा इसकी एग्जाम्पल है। मसल प्रोटीन से बना सॉफ्ट टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होकर बोन मूवमेंट में मदद करता है। मसल्स ऑपरेट इन टैंडम। नेक्स्ट चैप्टर में डिफरेंट हैबिटेट्स की बात की गई है, जो हम एनवायरमेंट लेक्चर सीरीज में अच्छे से करेंगे। आइए इस चैप्टर में एक जनरल एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लें। 10th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन किए गए हैं, जैसे SI यूनिट। SI के 7 बेस यूनिट्स हैं जो डिफरेंट चीजों का मेजर करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे वेट का केजी है, टाइम का सेकेंड्स है और टेम्परेचर का केल्विन। इसमें से भी MCQ बन सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेट मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन की बात की गई है, काफी बेसिक लेवल पे। हम आगे NCERTs में इन डेप्थ इन मोशंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 11th चैप्टर में भी कम मसाला है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है जो अपने से लाइट एमिट करते हैं, रिमेंबर लाइट प्रोडक्शन नहीं। उसके बाद लाइट और इसकी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल के बारे में बात की गई है। मिरर की रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन की गई है। लाइट की और उसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें से काफी क्वेश्चन खासकर स्टेट लेवल सिविल एग्जाम्स में आते हैं, उसको हम आगे NCERTs में कवर करेंगे। 12th चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स के बारे में डिफाइन किया गया है, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। सिमिलरली इंसुलेटर्स करंट को पास नहीं होने देते, या बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में करंट पास होता है। एग्जाम्पल्स देख लें और एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। मैग्नेट्स की एक्सीडेंटल डिस्कवरी एक शेपर्ड की आयरन रॉड और मैग्नेटाइट की चांस मुलाकात से हुई। भारत में विश्वामित्रा की संतान शशुरत द सर्जरी गुरु अपने काम में मैग्नेट उपयोग में लाते थे। आयुर्वेद इनसे ही आगे बढ़ा। बाकी मैग्नेट्स की अट्रैक्टिंग पावर की चपेट में आने और ना आने वालों को रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं।
मैग्नेटिज्म आग लगाने या फेंकने एट्सेट्रा से भी जा सकता है। कंपास की निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है इफ फ्रीली अलाउड टू। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वाटर। इस चैप्टर में वाटर साइकिल और प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन एक्सेट्रा, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बेसिकली बात की गई है। ये हम ज्योग्राफी में अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके बाद एयर अराउंड अस में एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है। ये भी ज्योग्राफी के कुछ पहले चैप्टर्स में अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। हमारा लास्ट चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें कैसे सोर्स से ही गार्बेज सेग्रीगेट कर सकते हैं और उनके कलर कोड क्या रखते हैं उसके बारे में बताया गया है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया है, कैसे अर्थवॉर्म्स के एक्शन एक ऑर्गेनिक मैटर को मैन्योर में तब्दील कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम अगले वीडियोज़ में भी आपकी ऑडियंस की कामना करते हैं।